हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमारी एक व्यूअर है अनन्या, जिन्होंने सवाल किया है कि सर कंट्रा बाउचर में पास होने वाले एंट्रीज के बारे में पूरा डिटेल में बताइए। तो आज उसी की बात करेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले टैली प्राइम को स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए टैली प्राइम ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर कंट्रा बाउचर में एंट्री पास करनी है तो कंट्रा बाउचर में अपने खाते में होने वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि कंट्रा बाउचर में अपने अकाउंट में होने वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। अब यहां पर वी प्रेस करके और फिर F4 प्रेस कर लेता हूं ताकि हम कंट्रा बाउचर में आ जाएं। ठीक है, सिंगल एंट्री मोड में रहेंगे तो प्रॉब्लम कम आएगी। डबल एंट्री मोड में भी एंट्री पास हो सकती है डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में, वो भी मैंने बताया है, लेकिन आज सिंगल एंट्री की बात करते हैं, बहुत ज्यादा आसान होगा। यहां पर ऊपर लिखा हुआ है अकाउंट, ये दिख रहा है अकाउंट, ठीक है। अब ये जो अकाउंट है इसके अंदर वो अकाउंट आएगा, वो खाता आएगा, वो जो है बैंक अकाउंट आएगा जिसमें पैसा इन हो रहा है। इन होने का मतलब जिस खाते में पैसा जमा किया जा रहा है, डिपॉजिट किया जा रहा है। तो डिपॉजिट किया जाने वाला अकाउंट कोई भी हो सकता है, लाइक SBI भी हो सकता है, ठीक है, PNB भी हो सकता है, पंजाब नेशनल बैंक। तो अगर मैं यहां पंजाब नेशनल बैंक रखता हूं, ठीक है, और यहां करता हूं कैश, तो ये खाते में पैसा इन हो रहा है पंजाब नेशनल बैंक में। अभी करंट बैलेंस कितना है, 80,000 रुपए है। अभी मैं इसमें 10,000 रुपए और डिपॉजिट कर रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, ये 10,000 रुपए डिपॉजिट किए, एंटर प्रेस किया, इसको एक्सेप्ट कराता हूं। अब यहां नोटों की डिटेल डालनी है, तो 1,000 का नोट तो खत्म ही हो गया है, तो यहां पर 10,000 रुपया है तो 500 की नोट कर लेते हैं, 30 नोट करेंगे तो यहां 10,000 हो जाएगा, और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लिया। अब आप दोबारा जब जाएंगे उसी पंजाब नेशनल बैंक में पैसे जमा करने, तो यहां बैलेंस आपको दिखाएगा 90,000, क्योंकि 10,000 हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में अपने, तो ये डिपॉजिट हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपने किसी को पेमेंट देना है, आपको किसी को पेमेंट देना है, ठीक है। जैसे पिछली एंट्रीज मैंने कर रखी है पेमेंट परचेज वाउचर में, तो परचेज जो किया उसके अगेंस्ट में हमें पेमेंट देना है, तो उसको हम बैंक अकाउंट से भुगतान करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे। तो F5 प्रेस करते हैं और आ जाते हैं सीधा पेमेंट वाउचर में। यहां पर कोई भी सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल लेते हैं। आप डबल एंट्री मोड में भी एंट्री पास कर लीजिए, सिंगल एंट्री मोड में भी पास कर लीजिए। अभी मैं सिंगल एंट्री बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आ गए। अब यहां पर अकाउंट दिख रहा है आपको, तो यहां अकाउंट में आएगा क्या, अकाउंट में उस बैंक अकाउंट का नाम लेंगे जो बैंक अकाउंट हमने बनाया। जैसे कि अभी पंजाब नेशनल बैंक की बात कर रहे थे हम, तो पंजाब नेशनल बैंक ले लिया हमने, 90,000 रुपया पंजाब नेशनल बैंक में बैलेंस है, और एक हमारी क्रेडिटर पार्टी है जिसे मैंने रवि सी के नाम से बनाया है। तो ये देखिए रवि सी, अब R प्रेस किया तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आएगा रवि सी, तो ये रवि सी को मैं ले लेता हूं। अब देखिए कुल मिलाकर के कितने रुपए बकाए हैं, 93,44,996 रुपए इनके ऊपर आ रहा है, ठीक है। फिलहाल हम क्या करते हैं, इनको 90,000 रुपए बल्कि 89,000 रुपए पेमेंट करते हैं, इनको भुगतान करते हैं, ठीक है। तो 89,000 रुपए इनको भुगतान करने हैं, ठीक है। तो ये अब पेमेंट कर रहा हूं, ये देखिए। अब देखिए किसके अगेंस्ट में आप कर रहे हैं वो देख लीजिए। यहां पर अलग अलग बिल्स हैं, अलग अलग बिल्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो यहां पे तीनों अलग अलग बिल है, डेट सेम ही है लेकिन बिल अलग अलग है। तो यहां पर देख सकते हैं 109,880 रुपए है, तो हम इसी के अगेंस्ट में इसको भुगतान कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारी एंट्री हो जाएगी पूरी, ये देखिए, ये अगर चेक से कर रहे हैं तो चेक लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये हो गया। तो ये पेमेंट में एंट्री हो गई। अब जब दूसरी बार फिर इसी की एंट्री पास करेंगे, लाइक देखिए डेट भी चेंज कर सकते हैं यहां से, यहां पे मैं कर देता हूं 1/9/2019 था, तो ये आ गए 1 जुलाई में आ गए। अब 1 जुलाई में पेमेंट कर रहे हैं तो इसी पंजाब से पेमेंट करेंगे। अच्छा, जब पैसा नहीं होगा पंजाब नेशनल बैंक में तो फिर क्या होगा, तब देखिए तब दिक्कत होगी। देखिए 1,000 रुपए है और फिर वही रवि सी जो क्रेडिटर पार्टी थी हमारी उसी को पेमेंट हो रहा है ये। तो ये देखिए अब की बारी हम 2,000 रुपए पेमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन है 1,000। तो ये देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब यहां देखिए, यहां 1,000 माइनस में आप चले जाएंगे क्योंकि 1,000 रुपए कम है आपके खाते में। तो फिर हमें कहां जाना पड़ेगा, कंट्रा बाउचर में जाना पड़ेगा। तो कंट्रा बाउचर में चलते हैं, F4 प्रेस कर लेते हैं, कंट्रा बाउचर में आ गए। अब यहां पर पंजाब नेशनल बैंक लगा लिया हमने, कितने रुपए सबमिट हो रहे हैं, कितने रुपए जमा हो रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक में, लाइक यहां पर फिर मैं कर देता हूं 1,00,000 रुपए, ठीक है।
ये एंट्री पास की हमने और यहाँ पे नोटों की डिटेल डाल दी है, तो यहाँ पे 1,00,000 रुपए हो गए, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा लीजिए, ये हो गया। अब फिर वापस चलते हैं पेमेंट में, तो F5 प्रेस करते हैं पेमेंट के लिए और यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया, एंटर प्रेस करके यहाँ पे आएंगे, डेट देख लीजिए किस डेट पे पेमेंट करना है, तो यहाँ से डेट चेंज कर लेता हूँ, अभी यहाँ पे कर देता हूँ 1/10/2019, ये कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे डेट चेंज हो गई, 1 अक्टूबर हो चुकी है, यहां पर भी आप चेंज कर लीजिए 1/10/2019, ठीक है, तो 1 अक्टूबर यहां भी हो गया। अब पंजाब नेशनल बैंक से पेमेंट जा रहा है, कितना पेमेंट जा रहा है, तो यहां पर क्रेडिटर पार्टी का नाम जैसे ही लेंगे तो पता चल जाएगा कितना रुपया इनको पाना है, तो यहां पर 1,00,000 रुपए मैं सीधा सीधा पेमेंट कर रहा हूं। अब देखिए 1,00,000 रुपए इनको पेमेंट हो रहा है और अगेंस्ट, अब किसके अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हैं वो देखना है, तो यहां पर ये सबसे ज्यादा अमाउंट है, इसी के अगेंस्ट में हम पेमेंट दे देते हैं इनको, यहाँ पे चेक नंबर वगैरह डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके मतलब सीख सकते हैं कि कंट्रा वाउचर में और पेमेंट वाउचर को एक दूसरे के साथ रिलेट करके देख सकते हैं किसमें किस तरह से एंट्री पास होगी। कंट्रा में तो अपने ही खाते के ट्रांजेक्शन की एंट्री पास की जाती है। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।